उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा कहती हैं, एक दिन हुजूर का दरे रहमत जोश में आ गया, फरमाया आयशा जो मांगना है मांग लो, हैं आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग, अब तंगी ये दामा पे न जा और भी कुछ मांग, दे सकते हैं क्या क्या कुछ नहीं देते, ये बहस न कर होश में आ और भी कुछ मांग। कहा आयशा जो मांगना है मांग लो, मौका अच्छा था, मैंने गनीमत समझा और अर्ज की कि अब्बा जान से मशवरे की अगर मोहलत मिल जाए। हुजूर ने मोहलत अता कर दी, मैं हाजिर खिदमत हो गई, मुझे बताया जाए कि हुजूर से इस मौके पे तलब क्या करूं। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, आयशा हुजूर से अर्ज करना, मेराज की कुर्बत खास में रब ने आपसे जो राज की बातें की थी उनमें से एक बात बता दे। आयशा सुनो जो हुजूर बताएं, वादा करो मुझे भी वो आके बताना। अर्ज की बिल्कुल हाजिर खिदमत होगी। हुजूर ने पूछा आयशा मशवरा हो गया? जी हुजूर हो गया। कहा मांगो क्या मांगती है? अर्ज की हुजूर मेराज की कुर्बत खास में आपके रब ने आपसे कोई राज की बातें की थी? कहा आयशा की थी। कहा उन बातों में से एक बात बता दो। हुजूर मुस्करा पड़े। इस बात पे मुस्कराए होंगे मेरे यारे गार का इंतखाब कैसा है, या इस बात पे मुस्कराए होंगे अगर वो बात बता दूं तो राज राज तो ना रहा, लेकिन वादा किया था। कहा आयशा सुनो जब मैं कुर्ब खास में पहुंचा तो मेरे रब ने मुझसे जो राज की बातें की उनमें से एक बात ये थी, ए हबीब तेरी उम्मत में से अगर कोई शख्स किसी शख्स का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो मेरे ऊपर लाजम है बगैर हिसाब के जन्नत अता करूं। अल्लाह ताला पर वैसे कोई शय वाजिब नहीं है, ये बात जहन में रखें, ये उसूलियात में से है। अल्लाह ताला पर कोई शय वाजिब और फर्ज नहीं है, अपने कर्म से खुद फर्ज कर ले, अपने ऊपर वाजिब कर ले, लाजम कर ले, तो ये उसकी करम नवाजी है। उम्मुल मोमिनीन बहुत खुश हुई, हस्बे वादा अपने वालदे गिरामी के पास हाजिर हुई और जाके सारी कहानी सुनाई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फूट फूट के रो पड़े। खापा जान ये रोने वाली बात तो नहीं है, ये तो खुश हो जाने वाली बात है। बस औकात किसी दुखिए के काम आ जाती, किसी मकलूस का कर्ज उतार देते हैं, किसी परेशान हाल शख्स की परेशानी दूर कर देते, किसी भूखे को खाना खिला देते, बस का किसी परेशान की बैठ के बात सुन ले, उसका दुकड़ा सुन लेना तो उसके दिल का बोझ उतर जाता है। ये तो बख्शिश का बहाना हाथ में आ गया। कहा आयशा इसे माकूस भी पढ़ो, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखो, अगर कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। इसका दूसरा पहलू यह है, अगर कोई किसी का दिल तोड़ बैठे तो सीधा जहन्नुम में जाएगा। मैं इसलिए रोता हूं कि हमसे किसी का दिल ना टूट गया हो।